नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यादव गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको अपने जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं मेरे प्लांट, और पिछले साल भी मैंने वो प्लांट लगाए थे तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए मेरे प्लांटों को और उसकी ग्रोथ को, और मैंने कैसे लगाया है वो भी दिखाऊंगी फ्रेंड। तो चलिए आपको मैं आप बता ही देती हूँ, सस्पेंस ख़त्म करती हूँ। वो मेरे प्लांट हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाना बहुत ही आसान है, और ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है ये स्ट्रॉबेरी प्लांट का ही लगाने का है। और आप नर्सरी में स्ट्रॉबेरी के प्लांट अवेलेबल होते हैं, हर नर्सरी मिलेंगे आपको, और किसी भी नर्सरी में जाकर आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं पहले स्टार्टिंग में मैं 3 प्लांट खरीद कर लाई थी। ये देखिए मेरे 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं ये 3 प्लांट खरीद कर लाई थी फ्रेंड, ये है मेरे तीनों प्लांट, ठीक है। तो मैं इनको ही लेके आई थी फ्रेंड। क्या हुआ कि उसके पास थे नहीं उस टाइम, तो उसने मुझे 3 प्लांट ही दे दिए। मगर फ्रेंड ऐसा होता है ना कि मैं इनको लेके आई, मैं ये लेके आ गई थी मैं सितंबर के कि मैं सेकंड वीक में इनको लेके आई थी, तो मैंने इन्हें लगा दिए थे फ्रेंड। तो क्या होता है ना कि इस प्लांटों में रनर निकलते हैं, जैसे लंबे टाइम के हो जाते हैं। जैसे अभी इनका थोड़ा सा अब ग्रोथ का सीजन आया है, ठीक है ना, और स्टार्ट होगी तो इसमें रनर निकलते हैं फ्रेंड। तो जो आपके पहले की जो स्ट्रॉबेरी होगी लास्ट ईयर की भी आपने अगर सेव कर रखी होगी, बची होगी आपकी, तो उसमें भी रनर निकलते हैं। ये रनर इस टाइप के होते हैं फ्रेंड। ये देखिए इसमें कितनी, क्योंकि मैंने क्या किया था ना, मैं आपको बताती हूँ इसकी सीक्रेट। तो जैसे ये रनर निकला था तो मैंने इस वाले गमले में इसको यहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया था, ठीक है। तो गार्ड तो देखिए आप फ्रेंड, इसकी रूट देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ना, तो ये एक प्लांट मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है, एक प्लांट मेरा ये तैयार हो गया बिल्कुल। अगर मैं इसको लगा दूंगी तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड। और ये देखिए सेकेंड प्लांट मेरा ये है, ये देखिए इसका था, इसमें भी देखिए रूट निकल आई है। तो उसको मैंने इसको भी थोड़ा सा टच कर दिया था, तो फ्रेंड देखिए मुझे एक इस प्लांट यहाँ से मिल गया, ठीक है। और ये देखिए छोटा सा रनर निकला, देखिए एक में आप देखिए एक इसमें ये टहनी है जो इसमें 3 रनर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही निकलते हैं। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, इसकी मिट्टी बताती हूँ फ्रेंड। देखिए इसकी मिट्टी बहुत ही पोरस होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। ये देखिए ये मिट्टी मैंने बना के रखी हुई है पहले से, क्योंकि मैं हर प्लांट की मिट्टी बना के रख लेती हूँ कि उस टाइम पे जब प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं प्लांट की मिट्टी बना के एक साथ बोरी में भर लेती हूँ। तो मैंने इसकी मिट्टी थोड़ी अलग बनाई थी फ्रेंड। इसमें मैंने कोकोपीट लिया है, जो राइस हक होता है, जो चावल का जो भूसा होता है, थोड़ा सा मैंने वो रखा था मेरे पास, वो भी ला लिया है। मैंने इसमें रेत मिलाई है और हल्की सी मैंने इसमें गोबर की खाद मिला ली थी फ्रेंड। बहुत पुरानी रखी थी मेरे पास, 2 साल 3 साल पुरानी थी खाद, वो मेरा मैंने उसको मिला लिया था फ्रेंड। तो मैंने इसका मिक्सर बना लिया है, क्योंकि मैं इसका ना अंदाज़ा नहीं रखती फ्रेंड कितना रखना है। तो मैं थोड़ा 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 करके मैं तीनों हिस्से मेरे बराबर होने चाहिए, मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, मैंने तीनों हिस्से बराबर किए फ्रेंड। और बहुत लाइट मिट्टी है मेरी ये, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पोरस है, अगर डालेंगे तो पानी फौरन निकल जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको मिट्टी इनकी ऐसी बनानी है। और ये महीना क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सेप्टेम्बर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है स्ट्रॉबेरी लगनी फ्रेंड। इनको क्या होता है, इनको हम लगाते हैं तो लगाने का आपको ध्यान रखना है, आपको जब आप स्ट्रॉबेरी लगाएंगे तो उसको जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है ना फ्रेंड, ये देखिए जो ये हिस्सा होता है ये, तो इसको बाहर निकलना चाहिए, इसको मिट्टी में नहीं टच करना है, मिट्टी के नीचे नहीं गाड़ना। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, पूरा गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, बस एक आध पत्ती दिखती फ्रेंड, नहीं, इसको सिर्फ जड़ को ही आपको दबाना है, आपको ये वाला हिस्सा ऊपर रखना। अगर आपने ये वाला हिस्सा दबा दिया तो ये आपकी स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएगी, गल जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो लगाने का तरीका यही है, जो उसकी रूट होती है, जैसे फ्रेंड ये देखिए ये रूट है, ठीक है, ये देखिए ये रूट है, तो मैं इसको इतना ही दबाऊंगी, रूट को दबाऊंगी, जो इसका ये खुला हिस्सा है मैं, ठीक है, मैं आपको इसको लगा के बताऊंगी कैसे लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बाद बताती हूँ कैसे लगाना है फ्रेंड। इसकी मिट्टी की बता दी मैंने, तो इसको आपने ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड ये ज़्यादा इसकी रूट नीचे तक नहीं होती हैं, तो आपने इसे ज़्यादा 6 इंची गमला या 8 इंची गमला बहुत ज़्यादा सफिशेंट है फ्रेंड। ये देखिए मैंने तो इसको प्लास्टिक गमले थे मेरे, तो मैंने इसमें लगा दिया है, मेरे पास उस टाइम यही अवेलेबल थे तो मैंने इसमें लगा दिया, मगर तब भी बहुत अच्छी मेरी स्ट्रॉबेरी चल रही है। और इनको क्या करना है फ्रेंड, इनको
आपको सुबह की, जैसे हमने लगा दिए प्लांट, और सुबह की आपको 5-6 घंटे की धूप दिखना ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको धूप में ही रखिए, छाया में बिल्कुल मत रखिए प्लांट को, ठीक है। तो आप इसको धूप में रखेंगे बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा ये देखिए। और ये 10 दिन के अंदर फ्लावर, 15 दिन के अंदर ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपको 1 महीने के अंदर इसके फ्रूट डेवलप होते दिखेंगे, आपको फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे। 1 मंथ में आपके फ्रूट भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड ये। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्ट्रॉबेरी, ये देखिए मेरी स्ट्रॉबेरी शुरू हो गई है पकना, और मेरे बच्चों ने खा भी ली है। और मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा फ्रेंड, देखिए इसमें भी देखिए मैंने क्या था, ये देखिए इसका रन्ना निकला हुआ था, तो मैंने देखिए इसमें लगा रखा है, तो इसमें इसकी रूट बहुत अंदर तक चली गई है, ये देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रूट निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है फ्रेंड एक में, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही, देखिए फ्रेंड इसकी रूट देखिए आप कितनी अच्छी रूट हो गई है, मैंने इसमें ही दबा दिया था, और इसके देखिए रूट, तो मेरा एक प्लांट बन गया, ठीक है। और एक प्लांट क्या है, जब ये देखिए यहाँ से जो निकले, यहाँ से एक प्लांट और निकलेगा, तो इसमें एक प्लांट बन के और तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं यहीं से इसको कट कर दूँगी और इसको ये लगा दूँगी। सिर्फ आपने यही वाला हिस्सा लगाना, तो मैं लगा के भी दिखाऊँगी आपको, क्योंकि अब मेरे पास ये अवेलेबल हो गए, मैंने ये वाला वीडियो नहीं डाल पाई थी जब मैं स्ट्रॉबेरी प्लांट लेके आई थी आपको, तो मगर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें रनर निकल गए, तो मैं कैसे लगाती हूँ फ्रेंड। तो मैं देखिए इसको मैं ऐसे मिट्टी से कर देती हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ी सी और मिट्टी इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी निकाल दी है इसमें, तो मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी डाल देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या है फ्रेंड, देखिए मेरी बहुत अच्छी फूटिंग तैयार है, देखिए मेरी स्ट्रॉबेरी रेड रेड कलर की स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही रस भरी होती हैं स्ट्रॉबेरी, तो आप जानते हो कितनी रस भरी, और बच्चों को कितनी पसंद होती है स्ट्रॉबेरी। मेरा बेटा तो हमेशा उसने कई सारी तोड़ के खा ली हैं। तो फ्रेंड अब मैं इसको दिखाती हूँ, आपने क्या है जो इसकी मिट्टी है फ्रेंड, हमेशा मॉस रखनी है, मतलब गीली रखनी है, इसमें मॉइस्चराइज़र बना रखना रहना चाहिए, ठीक है। आप मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए इसमें आप किसी भी तरह की मंचिंग हम कहेंगे क्या होता है, मंचिंग ये होती है फ्रेंड जो मिट्टी को कवर कर ले, जो आपके पास पेपर हैं या जो पेपर तोड़कर या लकड़ी का बुरादा है, या जो हमारा जो नारियल हम यूज़ करते हैं दे अपने पूजा में, उसको छीलते हैं जो ऊपर का इसका हिस्सा निकलता है, जो छिकला होता है, उसको भी इसको आप ढक सकते हैं, यानी कि मिट्टी को ढकना है आपने। जब देखिए मेरे पास ये था मॉस था, तो मैंने इसको ढक दिया। इसका क्या होता है ना, इसको आपने बिल्कुल सूखा नहीं रखना है, सूखा रखोगे तो ये क्या है स्ट्रॉबेरी जो फ्रूटिंग है वो सही से नहीं होगी, तो इसकी मिट्टी हमेशा आपको हल्की सी गीली रखनी है। तो इसको जब कवर कर देंगे तो आपको पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी रोज़, और पानी फ्रेंड रोज़ देना भी नहीं है, इसमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी दीजिए, क्योंकि जब हमने इसको टच नीचे इसकी मिट्टी ढक दी है तो इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी नहीं होगी, मिट्टी हमेशा थोड़ी थोड़ी गीली रहेगी। देखिए मैंने इसमें 2 दिन पहले पानी दिया था, 3 दिन पहले, तब भी मेरी मिट्टी देखिए गीली है, ये देखिए मिट्टी गीली है। तो आपको ऐसे ही करना है, और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉबेरी प्लांट है फ्रेंड, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और ये एक ऐसा प्लांट है, पहले तो यहाँ पर नहीं मिलता था ये, इधर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है, मैंने तो हिमाचल में देखी है बहुत सारी स्ट्रॉबेरी होती हैं। हम जब एक बार घूमने गए थे मार्च के महीने में, क्योंकि छुट्टियों में ही ज़्यादातर जाना होता है, तो एक बार हम मार्च के महीने में गए थे, तो हमने बहुत सारी स्ट्रॉबेरी वहाँ पर खाई थी फ्रेंड। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी है, ग्रो टू ईजी प्लांट है, और इसमें से आपने कुछ बातों का ध्यान रखना, 1 इसकी मिट्टी बहुत पोरस बनानी है, जो मैंने आपको बता दी है ये वाली मिट्टी बनानी है, ठीक है। और इसको आपने लगाना है तो पूरा इसको जो टॉप है उसका ऊपर हिस्सा रखना है, बिल्कुल नीचे नहीं गाड़ देना है, ठीक है, उसकी जड़ ही नीचे दबानी है, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल इसको खुला रखना है फ्रेंड, ठीक है। और इसमें क्या है, आप भी कोई भी केमिकल्स वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, इसमें क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है फ्रेंड, इसमें आप हम सिर्फ
मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ गोबर की खाद डाली है, आप कुछ मत डालिए, गोबर की खाद डाल दीजिए इसमें, गोबर की खाद और कोकोपीट और मिट्टी मिला के इसका मिक्सर बनाइए, ठीक है। और इसमें क्योंकि फ्रेंड हम जानते हैं कोई भी हम खाने वाली चीज़ में केमिकल्स वाली चीज़ यूज़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, या सब्जी हो या कोई भी सब्जी लगाते हैं उसमें भी कोई भी ऐसी चीज़ मत डालिए। मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। हाँ अगर आप डाल सकते तो इसमें जो मस्टर्ड केक का वो आता है ना लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, वो डाल दीजिए आप, ठीक है। और अगर इसमें मैंने ऐसा कीड़े का तो कोई अटैक देखा नहीं अभी तक, और ना ही मैंने आपको बताऊं मैंने एक बार सिर्फ डाला था। हाँ मैं आपको इस वाले में दिखाती हूँ, देखिए मेरी ना इसकी पत्तियाँ इस तरह से ये काली काली सी पड़ गई थी, ये देखिए, और अभी तक मैंने कीड़े तो फिलहाल नहीं देखे हैं, इसकी पत्तियाँ ज़रूर मेरी ये देखिए ऐसे ख़राब हो गई थी, ये देखिए ऐसे। तो मैंने क्या किया इस पर, इसमें भी देखिए ख़राब पत्तियाँ, ख़राब पत्तियाँ हो गई हैं, देखिए ये देखिए पत्तियाँ मेरी ख़राब हो रही हैं, ये देखिए ये देखिए ये हो रही ना पत्तियाँ ऐसी हो। तो मैंने इसको एक दिन क्या किया, लगा हुआ था तो मैंने इसमें जो है और वो नीम ऑयल, ठीक है ना, नीम ऑयल, अगर नीम ऑयल तो मैं आपको मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा, अगर नहीं भी है तो नीम की पत्ती जो होती है कहीं भी नीम लगा उसको तोड़ ले आइए फ्रेंड, तो उसकी पत्तियों को उबाल दीजिए, ठीक है, उबाल के पानी में डाल के जब वो उबल जाएँ तो ठंडा करके उसको छान के आप उसमें स्प्रे बोतल भर के इस पर स्प्रे कर दीजिए, और किसी चीज़ का स्प्रे नहीं करना है आपने, कोई भी जो हम NPK ये सब बताते हैं DA, इसका किसी का भी नहीं करना है आपने, खाने वाली चीज़ में किसी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है आपने, बस आप उसको लाइए और इसको छिड़काव कर दीजिए, ठीक है, और अब बस धूप में रखिए, पानी का ध्यान रखना, पानी 3 दिन बाद देना जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी सूखी हो जाए, और मिट्टी ना आप अगर आपके पास देखिए हम बताते हैं कि आप इसकी मिट्टी दे, अगर आपके पास रेत नहीं है, कोई कोई ऐसा होता है कि रेत नहीं है, मगर रेत तो आजकल हर जगह अवेलेबल है क्योंकि ये घर बनाने काम में आती है तो हर जगह मिल जाती है, ठीक है, थोड़ी सी रेत अगर नहीं है तो आप इसे सादा मिट्टी में भी लगा सकते हैं, गोबर की खाद और मिट्टी का दोनों का बना लीजिए उसमें भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी हम आपको बताते हैं कि चीज़ नहीं नहीं कोकोपीट मिलाइए, और किसी के पास कोकोपीट नहीं है तो बेचारा वो क्या करे, ठीक है, तो आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मिट्टी और गोबर की खाद का मिक्सर बना के इसको आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और स्ट्रॉबेरी ऐसी है आपको ये मार्च तक फ्रूटिंग करेगी, फ्रूट देगी, मार्च तक आप फ्रूट खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए हैं, और बच्चे तो अपने पड़ोसियों को भी खिला दीजिए, क्योंकि अगर हमारे बच्चों से बच जाता है तो पड़ोसियों को खिला देते हैं, फिलहाल मेरे पड़ोसी तो खा लेते हैं, और मेरे बेटा है जो बहुत ज़्यादा शैतान है, वो हमेशा जब भी टेरेस पर आता है तो एक आध ये तोड़ के खा जाता है वो, तो उसके लिए ज़्यादातर मैं ये लगाती हूँ स्ट्रॉबेरी, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो वो कहता नहीं मम्मा आप स्ट्रॉबेरी, एक बार मैंने लास्ट ईयर जब स्ट्रॉबेरी लगाया था तो आप लोगों ने मेरी स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद किए थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए थे मुझे, तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलिए मैं इस बार भी मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी लगाती हूँ, तो वो मेरा बेटा कहता है नहीं मम्मी स्ट्रॉबेरी ज़रूर लगाइए, तो मैंने इसीलिए स्ट्रॉबेरी लगाना स्टार्ट किया एंड मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, जो मैंने मिट्टी बनाई थी और जो लगाए थे, और मेरे टेरेस पर फुल धूप आती है तो मैंने उनमें ही रखा हुआ है, ठीक है, तो आप स्ट्रॉबेरी लेके आइए और लगाइए, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और आपको मेरे स्ट्रॉबेरी प्लांट कैसे लगे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी पूछना है स्ट्रॉबेरी के, और मैं आपको जो मैंने रन निकाले हैं फ्रेंड जो इसके जो इसी से प्लांट बने हैं, क्योंकि आप एक प्लांट से 10 प्लांट बना सकते हैं, आप में अगर प्लांट बनना है प्लांट में बहुत सारे रन निकल रहे हैं तो आप इससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, तो मैंने एक प्लांट से ही 5 प्लांट बनाए थे, जो मेरे 2 लगा दिए हैं और 3 मेरे देखिए अभी बनके तैयार हो गए हैं मेरे प्लांट, जो मैंने आपको बता दिखा दिए हैं, देखिए एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, आप देखिए एक प्लांट से ही मुझे 3 प्लांट मिले हैं, तो ऐसा होता है ना कि आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं, तो प्लीज़ स्ट्रॉबेरी को लेके आइए, ऐसी है 35, 30, 20, 25 हर नर्सरी का अपना अपना रेट है, वैसे ही आपको देंगे, तो आपको मेरे प्लांट कैसे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।